संसार की सबसे महान नदियों में से एक गंगा, जो जिंदगी देती है पृथ्वी के कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों को। यहां इसे एक देवी माना जाता है और ये लाखों लोगों के लिए धार्मिकता का स्रोत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से निकलकर गंगा नदी 2510 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा के किनारे भारत के कई पवित्र तीर्थ हैं। गंगा का ये बेमिसाल सफर जल धाराओं का ऐसा ताना-बाना है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल इलाके के हिमालय से शुरू होता है। गंगा और इसकी सहायक नदियों का यहाँ के इकोसिस्टम के फलने फूलने में बड़ा हाथ है। हिमालय के इस अंचल में अध्यात्म, एडवेंचर और प्राचीन संस्कृति का संगम है गंगा। गंगा, हिमालयन डिसेंट। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला। यह पर्वतमाला अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में शुरू होती है और पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान से होते हुए चीन तक फैली है। हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ताजा पानी की बर्फ के इससे बड़े अंबार सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ही हैं। हिमालय की बर्फ पिघलने से बना पानी एशिया के 3 अरब लोगों के जीवन का आधार है। भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में हिमालय के पहाड़ भारत और तिब्बत के बीच एक कुदरती सरहद बने खड़े हैं। इन्हीं पर्वत शिखरों से निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर। और इसके पीछे है आसमान को चूमता शिवलिंग शिखर। प्राचीन हिंदू पुराणों में पहाड़ संहार के देवता महायोगी शिव के प्रतीक हैं। ये पर्वतमाला पृथ्वी के जिस हिस्से पर है उसे देवभूमि या देवताओं के रहने की जगह कहा जाता है। गंगा की कहानी यहीं से शुरू होती है। गंगोत्री ग्लेशियर अचानक सामने आई ठोस नीली बर्फ की दीवार से टकराकर पिघल जाता है। कहते हैं इस ग्लेशियर का मुहाना गौ माता के मुंह से मिलता जुलता है और इसीलिए इसे गौमुख कहा जाता है। यही ठोस बर्फ से एक जल धारा प्रकट होती है जिसे भागीरथी कहा गया। ये गंगा ही है जो अपने स्रोत पर पौराणिक राजा भागीरथ के नाम पर भागीरथी कहलाती है। ग्लेशियर के आसपास दूर दूर तक सब सुनसान है। ये एक बेरहम इलाका है। यहां सिर्फ सख्त जान ही जी सकते हैं, जैसे कि ये नीली भेड़ या भरन। देखिए चारे की तलाश इन्हें किन ऊंचाइयों तक ले आई है। और ये तिब्बती स्नो कॉक भी तो इसीलिए यहां भटक रहा है। ये बखूबी जानता है कि जल्द ही यहां सर्दियां शुरू हो जाएंगी और यहां जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पशु पक्षियों ने ही नहीं, इंसान ने भी इन मुश्किल हालात में जीना सीख लिया है। यहां समुद्र स्तर से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर सुबह की धूप में भी जमा देने वाली ठंडक होती है। लेकिन ये योगी ऐसी ठंड में भी कपड़े उतारकर आनंद लेते हुए गंगा स्नान कर रहा है
और भारत की प्राचीन योग परंपरा को अब तक निभा रहा है। ये योगी प्रथम योग गुरु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग शिखर को जल चढ़ाकर करते हैं। इस योगी ने अब इस निर्जन हिमालय को ही अपना घर बना लिया है। परमात्मा को पाने के लिए योगी महीनों तक नहीं बरसों तक हिमालय में रहते हैं। वैसे लोग यहाँ कुछ एक दिन की साधना करने भी आते हैं। भगवान शिव के भक्तों में से ज्यादातर भक्त भारत के बड़े शहरों से आते हैं। नए जमाने की अंधी दौड़ से राहत की चाह उन्हें वहां से दूर हिमालय की गोद में खींच लाती है। ऐसी जगह पर आकर लगता है जैसे हम एक बार फिर से प्रकृति से जुड़ गए हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छांव में खड़े होकर हमें बौनेपन का एहसास होता है। मैं एक अरसे से एक बड़े शहर में रह रहा हूं, लेकिन वहां मुझे हमेशा खालीपन का एहसास होता है। हमेशा एक कमी सी खलती है कि मैं प्रकृति से दूर हूं। गौमुख के हालात ऐसे नहीं हैं कि वहां कोई स्थायी भवन बनाया जा सके। यहां आने वालों को बस योगी जी की इस कुटिया से ही काम चलाना होगा। ये जगह ही ऐसी है कि धार्मिक विचार अपने आप मन में आते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा से लौ लगानी हो तो सबसे पहले दुनिया से कटना जरूरी है, और गौमुख तो है ही ऐसी जगह जहां लगता है कि हम परमात्मा की शरण में पहुंच गए हैं। मैं एक भारतीय हूं। मैं गंगा के महत्व को जानना और देश की इस जीवन रेखा को समझना चाहता हूं। इसलिए मैं गौमुख आया हूं, क्योंकि गंगा यहीं से निकलती है। गंगा जिंदगी और जीने के जोश का इतना बड़ा जरिया है कि मुझे लगा यहां आकर मैं भी अपने आप को कुछ और जान लूंगा और खुद को समझ भी लूंगा। गंगा जहां से शुरू होती है उसके आसपास कई जाने माने योग गुरु योग की शिक्षा दीक्षा देते रहे हैं। योग के साधक आज भी प्रेरणा लेने यहां आते हैं। दरअसल योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ जाना। योग का मार्ग अपनाकर अपने आप को पहचानने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसके लिए एक तीर्थ ही सबसे सही जगह है। यहां आते ही आपके तन मन की लय ताल बदल जाती है। आप खुद हमेशा के लिए बदल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता गौमुख की जगह बदल गई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर का आकार काफी घट चुका है। 17वीं सदी के आखिरी बरसों में यहाँ पहली बार जो साइंटिफिक रीडिंग्स ली गई थीं, उनके मुताबिक गंगा जहाँ से बहना शुरू होती है वो स्थान बदल चुका है। अब इस विशाल घाटी में उस बर्फ का बस जरा सा ही हिस्सा बचा है जिससे कभी ये पूरी घाटी ढकी रहा करती थी। प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि इस ग्लेशियर का मुहाना या गौमुख कभी 18 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था। आज हम जिसे गंगोत्री कहते हैं वहां शायद कभी गौमुख रहा होगा। ये मंदिर यहां 8वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि गंगोत्री तीर्थ तो सदियों से ही था। हिंदू पुराणों के अनुसार अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और हिमालय की बेटी गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, लेकिन धरती में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो स्वर्ग की इस नदी के तेज बहाव को संभाल सके। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा के तेज बहाव को अपनी जटाओं में संभाल लिया। शिव की जटाओं में उलझने से गंगा के बहाव की तेजी कम हो गई और फिर पृथ्वी पर उतरकर उसकी पवित्र धारा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार कर दिया। आज के भारत में भी गंगा जल की पवित्रता को लेकर हिंदुओं के मन में वही श्रद्धा और आस्था है। गंगा का संबंध आध्यात्मिकता और धार्मिक रीति रिवाजों से है, जिनकी शुरुआत यहां गंगोत्री के घाटों से होती है। इस कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए कुछ तीर्थयात्री रात की अंतिम आरती करने भी यहां पहुंच ही जाते हैं, और ये आरती तो उस शानदार रिश्ते की शुरुआत भर है जो गंगा का अपने भक्तों के साथ हुआ करता है।
गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भागीरथी जो आगे जाकर गंगा बनती है पहाड़ों की ढलाने लांघती हुई आगे बह निकलती है। इसके पूर्व में कहीं दूर एक और नदी बहती आ रही है, ये है भागीरथी की बहन अलकनंदा और माना जाता है कि ये भी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। और गौमुख की ही तरह अलकनंदा घाटी भी भगवान शिव की शरण यानी नीलकंठ शिखर के साय में सांस लेती है। लेकिन इसके तट पर बना मंदिर शिव के उस रूप का नहीं है जो संसार का नाश करता है। पुराण कथाओं में पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के यहां तपस्या करने का वर्णन आता है। यहां भगवान विष्णु को बद्री विशाल यानी प्रमुख देवता के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ भारत के चार सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। धार्मिक हिंदुओं के लिए जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन करना जरूरी है। ऐसा विश्वास है कि यह मंदिर ठीक वहीं बनाया गया है जहां कभी भगवान विष्णु ने सैकड़ों साल तपस्या की थी। पुराण कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उन्हें छाया देने के लिए खुद को एक पेड़ के रूप में बदल लिया था। उस स्थान पर आज भी गर्म पानी के कुछ कुंड मौजूद हैं, जो तप्त कुंड कहलाते हैं। तीर्थयात्री पहले इन गर्म पानी के कुंडों में स्नान करते हैं और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं जिस पेड़ की छांव में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी उसका कुछ बचा हुआ भाग आज भी मुख्य कुंड में एक खोखली जगह में मौजूद है। इस धार्मिक स्नान के दौरान इस खोखल में हाथ डालकर उस पवित्र पेड़ को छूने का बहुत महत्व है। बद्रीनाथ एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है लेकिन इसे इतिहास में अहमियत मिली 8वीं शताब्दी में आकर। ये वो समय था जब हिंदू समाज के सुधारक आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में हिंदुत्व का एक एक केंद्र या धाम स्थापित किया। इसका उद्देश्य था सभी आस्थावानों को एक सूत्र में बांधना। इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत के धाम में दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों और दक्षिण भारत के धाम में उत्तर भारत के पुजारियों को नियुक्त कर दिया। ये परंपरा आज भी जारी है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से हैं। यहाँ पूरे भारत से तीर्थयात्री आते हैं। इनमें दक्षिण भारत के भी बहुत से तीर्थयात्री हैं जो लगभग 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। मैं दक्षिण भारत से आया हूँ, मैंगलोर से, जो समुद्र तट पर है और जहाँ काफी ह्यूमिडिटी और गर्मी रहती है, जबकि यहाँ पारा जीरो के आसपास है। फिर भी अपनी आस्था के बल पर हम इतनी दूर आ ही गए हैं। यहाँ आकर लगता है कि हम ईश्वर के करीब हैं। बद्रीनाथ में लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। यहाँ गर्मी का मौसम कुछ ही दिन का होता है और तब यहाँ हर रोज करीब 50,000 भक्त दर्शन करते हैं। गर्मियाँ खत्म होने वाली हैं और स्थानीय लोगों की कोशिश है कि सीजन खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें। बद्री विशाल जी का कपाट तो 6 महीने के लिए खुला रहता है, 6 महीने के बद्री विशाल जी के बाद कपाट तो बंद हो जाएंगे। रिस्क यहाँ पे इतना ज्यादा है, लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ पैसा कमाना है, इस 6 महीने के अंदर तक कुछ ना कुछ तो कमाना है। तो आदमी सोचता है कि मैं फोटोग्राफी करूं, मैं माला बेचूं, मैं प्रसाद बेचूं या अन्य काम करूं, क्योंकि यहां पे ऐसे हैं कि सब लोग बद्री विशाल जी पे ही डिपेंड करते हैं। इस तीर्थ स्थान की वजह से यहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। मंदिर की दीवार के साथ साथ बैठे फूल वाले भगवान विष्णु पे चढ़ाने के लिए तुलसी दल और फूलों की मालाएं बनाते रहते हैं। बद्रीनाथ की पहचान इस पवित्र मंदिर से ही है। यहाँ आस्था और कारोबार एक साथ फलते फूलते हैं। बाकी शहर में या तो होटलों की भरमार है या आश्रमों की, जो कि गर्मियों में खचा खच भर जाते हैं लेकिन साल के बाकी महीनों में बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग
सर्दियों की भारी बर्फ में भी यहां से कहीं नहीं जाते। मंदिर के ऊपर एक पहाड़ी गुफा में रहते हैं बर्फानी बाबा। बर्फानी बाबा ने दुनियादारी को त्याग दिया है और अपनी मर्जी से एक तपस्वी का मुश्किल जीवन अपना लिया है। इस समय हम बंद के समय रहते हैं, उस समय हमें साधना में किसी तरह की बाधा विघ्न नहीं होती है। हमें साधना में इतना मन अंदर की ओर चली जाती है, अनुभूतियाँ इतनी अच्छी अच्छी होती है, साधना में हमें इतना प्रगति होती है जो हम ऐसा भी कहने की चीज नहीं है, ऐसे भी बताने की चीज नहीं है, वो स्वयं की करके दिखाने की चीज है। हाँ, ठंड लगती है, क्यों नहीं, ये शरीर है, प्रकृति का शरीर दिया हुआ है, पर हम लोग व्यवस्था से रहते हैं, प्रणाम के माध्यम से कुछ भी हम कर सकते हैं, अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं, जागृत करके हम सर्दी गर्मी से उठ सकते हैं। ये बाबा किसी तरह 12 साल से हिमालय की जबरदस्त ठंड को हराकर अब तक जीते जाते हैं। यहाँ भक्त हर साल मनाए जाने वाले उत्सव के आखिरी हिस्से की तैयारियों में लगे हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है जब भगवान विष्णु की मूर्ति मंदिर के भीतर से बाहर निकाली जाती है। आज शुरू हो रहा है माता मूर्ति उत्सव, वो समय जब भगवान विष्णु को उनकी माता से मिलाने ले जाया जाता है। माता मूर्ति यहाँ का एक विशेष आकर्षक मेला है और इसके लिए लोकल लोग तो नितांत मेले में शामिल होना चाहते हैं। मंदिर के इस नगर में आज बहुत बड़ा दिन है। मंदिर के मुख्य पुजारी 6 महीने मंदिर के अंदर ही रहते हैं, यानी आज भगवान विष्णु के साथ साथ ये भी मंदिर से बाहर आएंगे। एक दिन भगवान का एक घूमने का दिन है, भ्रमण का दिन है, और इस दिन जाकर के भगवान प्रभात में पूजाएं बद्रीनाथ में, और पूजा के बाद भगवान माता जी के पास जाते हैं। ये सभी भक्त तिब्बत की सीमा को छूते हुए आखिरी भारतीय गांव माना की तरफ जा रहे हैं। ये अलकनंदा घाटी तक चलकर जाएंगे जहाँ के हर पहाड़ और गाँव का वर्णन आपको पौराणिक कथाओं में मिलेगा। ये भक्त उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से स्वर्ग तक जाने के लिए कभी 5 पांडव गुजरे थे। वो गुफा भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ कहते हैं कि महाभारत लिखी गई थी। धार्मिक आस्था वाले हमारे देश में सदियाँ गुजरने के साथ साथ कथाओं का रूप भी बदलता रहा, कुछ छूटता रहा और कुछ जुड़ता रहा। जो सचमुच हुआ और जो शायद हुआ, उनके मेल से बनी नई कथाएं। भगवान जब यहाँ तपस्या के लिए आए हैं तो इनकी माँ सतना माता मूर्ति माणा में और भगवान बद्रीनाथ में तप करने लगे, तो माता जी ने कहा एक दिन हम तुम्हारे पास मिलना चाहेंगे वर्ष भर में। भगवान ने कहा आप नहीं, हम आपको मिलने के लिए हम माता मूर्ति के पास माणा आएंगे। देवताओं को इन पहाड़ों पर उगने वाले नए अनाज की भेंट चढ़ाई जाती है। इस तरह से ये नई फसल की खुशी का एक उत्सव भी माना जा सकता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के लोग नजर आएंगे जिन्हें उनके चेहरों मोहरों और पोशाकों से साफ पहचाना जा सकता है। एक अनूठा संगम है जिसमें भगवान बद्रीनाथ की भक्ति और प्रेम के कारण एक सूत्र में बंधे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के भारतीय शामिल है। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। मौसम की पहली बर्फ गिरते ही पूरा बद्रीनाथ खाली हो जाएगा, बस कुछ ही लोग यहां रह जाएंगे। जब गढ़वाल हिमालय में ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जन्म होता है, और इनसे ही जन्म लेती है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। ये नदियां गंगोत्री और बद्रीनाथ से नीचे उतरती हैं और ऊंचे पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाती आ पहुंचती हैं हिमालय के निचले इलाकों में फैले हरे भरे जंगलों में।
रास्ते में इनमें और भी कई बर्फीली छोटी बड़ी नदियां समाती जाती हैं। गंगा की कहानी में हर एक नदी की अपनी अलग भूमिका है। हर अगले मोड़ के साथ गंगा और अलकनंदा में और पानी जमा हो जाता है। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, ये सभी नदियां गंगा में आ मिलती हैं और ये जहां जहां मिलती हैं वो जगह एक तीर्थ बन जाती है। लेकिन ये एक नाजुक इकोसिस्टम है। कभी कभी इंसान को लगातार कुदरत का अपमान करते देखकर मानो गंगा भी गुस्से में आ जाती है और उसकी ये नाराजगी तबाही लेकर आती है। मॉनसून की तेज बारिश से जब हिमालय की नदियों का जलस्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो बर्फीली झीलों से अचानक करोड़ों लीटर पानी और गाद गंगा में आकर गिरने लगता है और तब इंसान को नदियों के किनारों को बिना सोचे समझे तबाह करने की ऐसी सजा मिलती है। और नदी का ये कहर हजारों लोगों को अपने साथ ले डूबता है। कुदरत की ताकत को अनदेखा करने की कीमत इंसान को हमेशा चुकानी पड़ी है। पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंगा शांत होकर एक बार फिर से अपना वही जीवन देने वाला रूप अपना लेती है। पतझड़ के इस मौसम में देखिए यहां चौलाई की कैसी बढ़िया फसल हुई है। और सेब भी क्या खूब फले हैं। नदी किनारे बसे गांवों के जीवन का आधार यही फसलें हैं। गंगा किनारे का ऐसा ही एक गांव है बाघोरी। बाघोरी, जिसे भारत तिब्बत व्यापार मार्ग से आने वाले भोटिया लोगों ने बसाया था, यहां के घरों की छतों पर लहराते झंडों के कारण इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। लाल झंडा मतलब हिंदुओं का घर और पीला झंडा मतलब बौद्धों का घर। इस गांव में आपको पश्चिमी हिमालय की लकड़ी की कलाकारी के कुछ बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। कुछ पुराने घरों में खूबसूरत वुड कार्विंग देखने को मिलती है। ये बुनकरों और कातने वालों का गांव है, इसलिए सर्दियों का मौसम आते ही सबके सब काम में लग जाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ हिमालय के दूसरे इलाकों से भी लोग आकर बसते रहे हैं। बघोरी के लोगों को देखकर यह साफ लगता है कि इनकी नस्ल मिली जुली है। हिमालय के निचले इलाकों तक आते आते भागीरथी और अलकनंदा के रास्ते करीब आने लगते हैं और उत्तराखंड के टिहड़ी गढ़वाल जिले में देव प्रयाग में आकर दोनों नदियों का संगम हो जाता है। दोनों नदियों के मिलन से बन जाती है गंगा। अब तक हमने जीवन और अध्यात्म के लिए ही लोगों को गंगा के पास आते देखा था, लेकिन देवप्रयाग में तरह तरह के लोग गंगा के पास आते हैं। संगम किनारे एक रिवर राफ्टिंग टीम गंगा मैया से प्रार्थना करने आई है कि वो तेज धारा में उनकी रक्षा करे। हम लोग हर सीजन की शुरुआत में गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए देवप्रयाग आते हैं। गंगा दरअसल देवप्रयाग में आकर ही गंगा बनती है, इसलिए गंगा का आशीर्वाद लेने और उसे धन्यवाद देने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। हम लोग गंगा से हमेशा लेते ही रहते हैं, पर जब हम उसे फूल चढ़ाते हैं तो की भावनाएं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो रोजगार के तौर पर हम रोज गंगा में राफ्टिंग कर रहे हैं। साथ ही डर भी होता है क्योंकि हम कुदरत को चुनौती देने और गंगा की तूफानी धारा से दो दो हाथ करने जा रहे होते हैं। लाखों साल से यहां बहती नदी की तेज जलधारा ने चट्टानों को काट काट कर गहरे दर्रे बना दिए हैं
अक्टूबर के आते आते बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और शुरू हो जाती है राफ्टिंग के शौकीनों की गहमा गहमी। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कोई स्वर्ग की अप्सरा थी जिसे तेवर दिखाने के कारण स्वर्ग से धरती पर गिर जाने का श्राप दिया गया और वो नदी बन गई। मुझे लगता है नदी के जिस हिस्से में हम लोग राफ्टिंग करते हैं उसमें भी उसका वही तेवर नजर आता है और शायद इसीलिए दुनिया उसकी तरफ खींची भी चली आती है। गंगा के राफ्टिंग स्ट्रेच में कुल 12 तेज धाराओं के मोड़ है और ये करीब 36 किलोमीटर में फैले हैं। हादसे तभी होते हैं जब आप गंगा की इज्जत नहीं करते, यानी जब आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि गंगा जानलेवा भी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से हम लोग अपनी हर ट्रिप में एक डोंगी वाले कायाकर को भी जरूर साथ रखते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ होने लगे तो वो फौरन मदद कर सके। ये डोंगी वाले ज्यादातर यही गंगा किनारे पले बढ़े लोग ही होते हैं। गंगा की लहरों को इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। डर तो नहीं लगता है क्योंकि बचपन से हमारा काम ये रहा है कि नदी क्रॉस करना है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। कभी कभी स्कूल तो बंक मार जाना था कि चलो यार नदी में चलते हैं, आज स्कूल रोज ही जाना है 300% से, तो आज नदी में पूरा मस्ती करते हैं। शाम ढलने पर गंगा किनारे सुस्ताते ये दुनिया के कोने कोने से आए मनमौजी लोग नदी के उस रूप का आनंद लेते हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूर उगते सूरज के उजाले में नहा रही है गंगा की सहायक नदी राम गंगा और इसी के किनारे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विशाल सब हिमालयन बायोस्फीयर। ये आप भी हो सकते हैं, देखिए इंडियाज बेस्ट जॉब्स सिर्फ डिस्कवरी पर हर शनिवार रात 8 बजे। इंडियाज बेस्ट जॉब्स प्रेजेंटेड बाय अमेज़न, इंडिया के सपनों की अपनी दुकान। Powered by Blue Star Water Purifiers. Choose purity in association with Project Management Institute and Mahindra XU. गंगा की एक और सहायक नदी उगते सूरज की रोशनी में नहाने लगी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाली राम गंगा भी कुछ अलग किस्म के लोगों का तीर्थ है। ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत के पूरी तरह से संरक्षित सब हिमालयन फॉरेस्ट में से एक। ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के कुछ आखिरी कुदरती ठिकानों में से एक है। एक शिकारी से पर्यावरण की रक्षा करने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर बना यह पार्क सन 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया था। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में पेड़ पौधों और जीवों की बेशुमार किस्में सुरक्षित हैं। यहाँ बाघ यानी टाइगर कभी कभार ही दिखता है, पर टाइगर बटरफ्लाई आसानी से नजर आ जाती है। इस जंगल में जिस पतझड़ी पेड़ शोरिया रोबस्टा या साल की सबसे ज्यादा भरमार है, उसके पत्ते गर्मियां शुरू होते ही झड़ने लग जाते हैं। पत्ते झड़ते हैं तो उनमें रहने वाले कैटरपिलर्स यानी इल्लियां भी नीचे आ गिरती हैं। ये कलगीदार सर्पेंट ईगल कब से इस मुफ्त के बरसते शिकार की ताक में था। इन्हें वाइड थ्रोटेड किंगफिशर भी खाता है, लेकिन जरा तमीज से। वो बेबस कैटरपिलर को सुन्न कर देता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है। राम गंगा के किनारे इस तरह के नजारे आम हैं।
देखिए नदी के किनारे लेटा ये मगरमच्छ कितने मजे से धूप सेंक रहा है। कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले इस जीव को अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट करते रहना पड़ता है। जब इसका शरीर अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब ये पानी में चला जाएगा। सतह के नीचे भी जिंदगी की हलचल है। पार्क के छोर पर रामगंगा पर एक डैम बनाया गया है जहां नदी एक विशाल झील का रूप ले लेती है। झील में कभी बढ़ते और कभी घटते पानी के कारण बाढ़ का यह इलाका आज एक हरे भरे घास के मैदान में बदल गया है। जंगली जीवों को देखने के लिए ये कमाल की जगह है। हमारी रिवर जो है जानवर के लिए, पक्षी के लिए है, लाइफ लाइन है। हम लोग भी इसी के पर रोजी रोटी हमारी चलती है, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है रामगंगा से। गर्मियों की आहट होती है तो हाथियों के झुंड इस संरक्षित उद्यान के बीचों बीच ढेकाला के घास के मैदानों में जमा होने लगते हैं। भारतीय हाथी भले ही अफ्रीकी हाथियों से आकार में छोटे हों, लेकिन खुराक इनकी भी जबरदस्त होती है, यानी रोजाना करीब 100 किलो पत्ते और लगभग 100 लीटर पानी। हाथियों की दुनिया में मादाओं की हुकूमत चलती है और एक बड़ी उम्र की हथिनी ही हमेशा लीडर होती है और इनके ग्रुप में ज्यादातर हथिनियां ही होती हैं। ये नन्हा नर हाथी बड़ा होते ही दल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अभी जिस उम्र में है वहां से आगे सिर्फ अकेलापन ही इसका साथी होगा और हथिनियों से इसका मेल मिलाप सिर्फ मेटिंग सीजन में ही हुआ करेगा। बड़ा होकर वो भी इस बड़ी उम्र वाले हाथी की तरह हो जाएगा। हाथी भारत के जंगलों का सबसे बड़ा जीव है, यहां तक कि टाइगर भी उसके भारी भरकम पैरों और नुकीले दांतों से बचकर ही रहना चाहता है। ये लोग हाथी का इंतजार करते हुए थोड़ा घबरा भी रहे हैं क्योंकि हाथी जरा सा भी खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं। खतरे तो हर समय खतरा है, खतरा नहीं लेंगे तो फिर कॉर्बेट में चल भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी रखते हैं गाड़ी को अपनी। हाथी आया और आराम से आगे बढ़ गया। ये था राम गंगा के किनारे एक और जादुई पल। ऊंचे पहाड़ों से राम गंगा यहाँ पहली बार हिमालय की तराई में उतर रही है। यहाँ इसका पानी सबसे ज्यादा साफ है। यहाँ बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत कुछ होता हुआ दिखता है। आप यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। कई लोग आध्यात्म की तलाश में गंगा की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन राम गंगा के पास आने वाले लोग अलग तरह के होते हैं। हम अक्सर यहाँ आते हैं, हमारे लिए तो यही मंदिर है। काले मुंह वाले लंगूरों के लिए इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। किसी शिकारी जीव की आहट मिलते ही ये लंगूर शोर मचाकर सबको पास आते खतरे से सावधान कर देते हैं, पर फिलहाल तो ये लंगूर खाने में व्यस्त हैं। पेड़ों पर लंगूर हैं तो नीचे कोई और पहरा देने का काम कर रहा है। यह है यहां का सबसे बड़ा हिरण सांभर, जिसके कान खतरे की आहट सुनने के लिए हरदम खड़े रहते हैं। पास आते खतरे की हल्की से हल्की आहट भी यह फौरन सुन लेता है। इसी का एक डरपोक रिश्तेदार है ये चित्तीदार हिरण या चीतल। अपनी सुरक्षा के लिए ये सब दल बनाकर एक साथ रहते हैं। ज्यादातर हिरणों के सींग अभी बढ़ ही रहे हैं जो एक नर्म खाल से ढके हुए हैं। यहाँ ढेकाला सफारी कैंप के पास नदियों में हाथियों के महावत एक सदियों पुराने रिवाज को अब भी निभाते नजर आ रहे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद इन हथिनियों का हक बनता है नदी में नहाकर अपनी थकान उतारने का। हाथी और उनके महावत अक्सर साथ साथ पले बढ़े होते हैं और इनका ये रिश्ता सालों तक चलता है।
और ये नहाना नहलाना भी उसी संबंध का प्रतीक है। ये इंसान, जीव और नदी तीनों के बेहतरीन तालमेल का पल है। नहावत बनने में काफी समय चाहिए। अब हाथी चलाना तो कोई भी चला लेगा, एक महीने में सीख जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। 40 साल हो गए, 40 साल में काफी अनुभव हुआ। हाथी इतना साथी है, इंसान से ज्यादा वो बुद्धि है उसको, मगर महावत को समझने की जरूरत है। शाम होने लगती है तो ये सफारी फिर से शुरू हो जाती है। और अचानक सांभर चिल्लाकर सबको चेतावनी देने लगता है कि संभल जाओ, टाइगर चोरी छिपे इसी तरफ आ रहा है। आखिरकार शाम के वक्त लगातार कम होती रोशनी में टाइगर नजर आ जाता है। जंगल का राजा रामगंगा के पानी से प्यास बुझा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और दिन गुजर गया। रामगंगा के किनारे हिमालय की तराई के कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस वक्त सन्नाटा फैला हुआ है। लेकिन यहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है। गंगा यहां दून घाटी के तीर्थ नगर ऋषिकेश में दाखिल हो रही है। ऋषिकेश में भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री आते हैं, और भारत ही नहीं, इसका आकर्षण तो पूरी दुनिया के आध्यात्मिक साधकों को यहां खींच लाता है। बीटल्स जैसे मशहूर रॉक बैंड के अलावा हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे भी यहां आकर रह चुके हैं। आज ऋषिकेश योग के केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। योग, आयुर्वेद और ध्यान साधना आज एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुके हैं। वैसे अध्यात्म के साधकों के लिए यहां मिठाई की दुकानें भी खुली हैं। यहां के सबसे पुराने आश्रमों में से एक परमार्थ आश्रम आज भी वैदिक साधनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। आश्रम के वैदिक विद्यालय के बच्चे हर सुबह गंगा जल में प्रतीक स्नान करने जाते हैं। और देखते ही देखते ये स्नान मौज मस्ती में बदल जाता है। परमार्थ आश्रम में एक वैदिक गुरुकुल और अनेक ध्यान केंद्र चलाए जा रहे हैं। दुनिया भर से आने वाले साधकों के लिए आश्रम में रहने और खाने का भी पूरा इंतजाम है। चिदानंद सरस्वती जी का पूरा बचपन इसी आश्रम में बीता है, और अब वो इस आश्रम के गुरु हैं और पूरे आश्रम को चला रहे हैं। परमार्थ आश्रम का एक विशेष आकर्षण इसकी लाइब्रेरी है, जहां वैदिक शोध सामग्री सजो कर रखी गई है। स्वामी जी को इस बात पर गर्व है कि उनके आश्रम का पाठ्यक्रम लगभग 4000 साल पुराने ऋग्वेद पर आधारित है। ये शायद दुनिया का सबसे पुराना स्कूल सिलेबस है। ऋग्वेद विश्व का एक सबसे पुराना पाठ है। इसमें प्राचीन संस्कृत भाषा में देवी देवताओं को समर्पित सुंदर दिव्य मंत्र हैं। ये वेद हमें जीवन का उद्देश्य बताता है कि ये जीवन और अधिक पाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को भरपूर जीने की प्रेरणा देता है। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ भी वैदिक कक्षाएं आसमान तले
पीपल या नंदी वृक्ष के नीचे ही लगती है। हमारे वेद आज भी उतने ही सच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। ये हमें संसार और इसे रचने वाले के बारे में बताते हैं। आज हम संसार बनाने वाले को तो पूछते हैं, लेकिन उसके बनाए संसार को भूल गए हैं। हमें न इस धरती की परवाह है, न इसकी हवा, पानी, पेड़ों और पहाड़ों की। गंगा आज खतरे में है और ये खतरा कहीं आसमान से नहीं आ रहा। ये हम इंसानों की करनी है जो इसकी पूजा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे अंधाधुंध प्रदूषित भी किए जा रहे हैं। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते गंगा पर प्रदूषण का बुरा असर नजर आने लगता है। यहाँ से गंगा नदी में इंसान और फैक्ट्रीज की गंदगी भारी मात्रा में समानी शुरू हो जाती है। गंगा जल की पवित्रता में आज भी करोड़ों की आस्था है, लेकिन सच ये है कि यहाँ से आगे के सफर में गंगा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की एक सबसे प्रदूषित नदी बनती चली जा रही है। आप लोग इधर करते जाइए, बाकी लोग इधर करिए। सारे बारी बारी से एक एक कोना साफ करें, हर कोना साफ होना चाहिए। गंदगी चाहे अंदर की हो या बाहर की, वो न हमारी सेहत के लिए अच्छी है, न हमारे वातावरण की सेहत के लिए। हम इन बच्चों को पर्यावरण का रक्षक बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं। ऋग्वेद कहता है ये धरती हमारी माता है, ये है हमारी संस्कृति, और यही हम इन्हें सिखाते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करने के बजाय तुम पर्यावरण को भी स्वच्छ रखो। आश्रम में विद्यार्थियों के एक दूसरे समूह को वैदिक जीवन शैली सिखाई जा रही है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, उनके साथ एक हो जाइए। योग साधना के फायदों को समझकर दुनिया भर से अध्यात्म के साधक यहाँ आते हैं। हिमालय की शुद्ध हवा में सांस लेते हुए गंगा की नजदीकी के सुखद एहसास को महसूस करते हुए ध्यान लगाते हैं। साध्वी भगवती सरस्वती भी ऐसी ही एक साधिका है। पश्चिमी जीवन शैली को छोड़कर यहाँ आकर बसी साध्वी जी आज परमार्थ आश्रम से जी जान से जुड़ी है। दुख की बात है कि पश्चिम में ज्ञान के नाम पर हमें सिर्फ जानकारी दी जाती है। जानकारी जरूरी है, मगर हमें दिव्य सत्य का ज्ञान नहीं मिलता, जबकि वैदिक या भारतीय वैदिक या भारतीय पद्धति से हमें तथ्यों के साथ दिव्य सत्य का ज्ञान भी होता है। योग और ध्यान अलग नहीं है। योग का अर्थ है ईश्वर के साथ जुड़ना, और ध्यान उस तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। परमार्थ आश्रम में यह हर रोज का कार्यक्रम है। आज 21वीं सदी में दुनिया भर के लोग योग और वैदिक आध्यात्मिक उपचार के जिंदगी बदल देने वाले फायदों को महसूस कर रहे हैं। इनके गवाह खुद गंगा किनारे बैठे महायोगी शिव शंकर भगवान हैं। वो हजारों सालों से अलग अलग रूप में ये सब होता देख रहे हैं। इसके बाद गंगा दाखिल होती है उत्तराखंड राज्य के तीर्थनगर हरिद्वार में। इस देवभूमि में गंगा की यात्रा यहीं खत्म होती है और अब वो प्रवेश करेगी उत्तर भारत के मैदानों में। हरिद्वार का वर्णन हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। हर आस्थावान हिंदू की इच्छा होती है कि वो जीवन में कभी ना कभी हरिद्वार जरूर आए। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग हरिद्वार आते हैं और हर की पौड़ी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। गंगा का ये पवित्र घाट हजारों साल से अनगिनत भक्तों की भक्ति भावना का गवाह रहा है। गंगा के इन घाटों पर आपको हर तरह के रीति रिवाज नजर आएंगे। कोई यहाँ किसी के जन्म की खुशी मनाने आता है और कोई किसी अपने की आखिरी रस्मों को अदा करने, तो कोई गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने। दिन ढलने पर गंगा जी के मंदिर के दरवाजे बंद होने से पहले यह शहर हर रोज गंगा मैया की आरती करता है।
इसके लिए गंगा माँ की सुंदर मूर्ति को लाकर हर की पौड़ी की सीढ़ियों पर रखा जाता है। फिर पुजारी प्राचीन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इस तरह आरती शुरू हो जाती है। तेल से भरे दियों की पवित्र रोशनी से गंगा मैया का तिलक किया जाता है